हेलो भाई लोग, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए पबजी मोबाइल के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भाई लोग मेरे 3 GB रैम और 4 GB रैम के फ़ोन में खेलते हैं और बहुत ज़्यादा लैग होता है, तो मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स बताऊँगा जिनको अगर आप यूज़ करोगे यानी कि इनेबल कर दोगे और उन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक आपका जो गेम है वो मतलब लैग उतना नहीं करेगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई आप खेलते हो उतना ज़्यादा लैग नहीं करता। भाई लैग करता है बट उतना नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा बंदे आ जाएंगे तो भाई तो लैग तो करेगा ही। तो भाई लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं भाई लोग तो कृपया करके भाई चैनल पे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अभी आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, नीचे आप लोग देख सकते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये एकदम ग्रे हो जाए, और साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए वीडियो का जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे मैं पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पिंग सही होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम 80-100 MS पिंग आना चाहिए, क्योंकि देखो जब मैं पहले खेलता था तो मेरा जो सिम था वो वोडाफोन का था और उस पर पिंग आता था 300 MS 250 MS। फिर मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया यानी कि सिम भी चेंज कर लिया, अब नेटवर्क तो चेंज होगा ही, ऑब्वियस सी बात है जब सिम चेंज होगा, तो मैंने ले लिया वहाँ पे एयरटेल का सिम और मेरा जो पिंग है अब बहुत ही अच्छा है। अब देखो पिंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट जो फ़ोन है उतना मेरा अभी सही नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई अरे यार तू कब से फ़ोन किया है, कब लेगा। भाई ले रहे हैं, लॉन्च तो हो जाने दो, फ़ोन बस ले ही रहे हैं, बस लॉन्च हो रहा है तुरंत मतलब ले लेना है फ़ोन। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मान लो आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कैसे खेलोगे गेम, मतलब किस तरह से खेलोगे। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहला चीज़ पिंग आपका सही रहना चाहिए, इसको आप सही कर लो। आपका फ़ोन लैग करता है कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप कम से कम हो सके तो क्लोज़ फाइट लो, लॉन्ग रेंज फाइट लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। और तो और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्क्वाड में खेलोगे भाई तो अगर 4 बंदे पुश करेंगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, लैग करेगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के। और हाँ, बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपका फ़ोन 100% चार्ज है तो आप 70% यूज़ हो जाए, यानी कि 30% पे जब आ जाए फ़ोन तब तक आप खेलो, लेकिन जब बैटरी आपके फ़ोन का लो रहे तब आप गेम मत खेलो, क्योंकि उस टाइम गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है। क्योंकि एक तो हीट हो जाता है आपका फ़ोन उतना देर तक आप खेलोगे तो, और वो हीट और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है गेम में, प्रोसेसर पे लोड पड़ता है तो मतलब गेम पे भी लोड पड़ेगा और आपका गेम उतना सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और बहुत गंदा लैग करेगा। तो इसलिए जिनका फ़ोन कमज़ोर है, जिनका फ़ोन उतना सह नहीं सकता है ये गेम, तो बैटरी फुल चार्ज रहे तो ही खेलो हैं, और जब बैटरी एकदम लो हो जाए भाई तो मत खेलो, वरना गेम आपका बहुत गंदे तरीके से लैग करेगा। तो इन सब चीज़ों को आप स्टेप्स को फॉलो करिएगा। और तो और रहा बात यहाँ पे पिंग का, तो यार मुझे पता है बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो कोई नेटवर्क का पिंग ही नहीं सही आता, बट यार ट्राई करो, हो जाएगा, या तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा के खेलो तो उससे भी काफ़ी हद तक पिंग सही हो जाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। और सेटिंग में मैं आपको अभी ग्राफिक सेटिंग बता दे रहा हूँ, उसको आप इनेबल कर लो और इसी सेटिंग पे खेलो तो आपका गेम ठीक चलेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा सेटिंग है मेरे हिसाब से तो, और मैं इसी पे खेलता हूँ और काफ़ी हद तक गेम ठीक ठाक चल जाता है, बट ज़्यादा बंदे आते हैं तो लैग करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और अगर आप एक अच्छा खासा फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 चीज़ करो, आपका पिंग सही कर लो फ़ोन का, मतलब गेम के अंदर जो आप खेलते हो पिंग सही रहे, और तो और बैटरी जब लो रहे तब आप गेम मत खेलो कृपया करके, वरना वो गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। तो देखो मैं जब भी गेम खेलता हूँ स्मूथ और हाई पे खेलता हूँ, कलरफुल लगता हूँ एकदम, मतलब ग्राफिक्स जो है ये सब यही मेरा सेटिंग है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा। और तो और मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, इसको आप इनेबल कर देना, यानी कि FPS, अगर FPS आगे पीछे हो तो वो यहाँ पे एकदम सही हो जाए, मतलब कि वो कंट्रोल रहे आपका FPS, जितना ज़्यादा FPS होता है गेम उतना ज़्यादा स्मूथ चलता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बट ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई लोग आप आपको मतलब वीडियो तो पसंद आया ही होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।